सब्सक्राइब कीजिए माय एक्साइटिंग व्लॉग्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट व्लॉग सबसे पहले देखने के लिए। तो वो सब मेटी फैमिली, दिस इज योर फ्रेंड मोहित बैक विद अनदर सुपर डुपर व्लॉग। सो गाइस, सबसे पहले आप अपने सामने तीन भाइयों के कमेंट देख रहे होंगे जिन्होंने लास्ट वीडियो पे कमेंट किया था, यार ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कमेंट आप करते रहे। एंड साथ में ये जरूर मेंशन करें कि नेक्स्ट व्लॉग में हम कौन सी गाड़ी देखना चाहते हैं, साथ में ये जरूर मेंशन करें कि कौन से स्टेट से बैठ कर हमारा व्लॉग देख रहे हैं। तो गाइस, आज के व्लॉग में यार जो हम आपके लिए गाड़ी लेके आए हैं, शॉर्ट्स तो आपने इसके सिनेमेटिक्स तो देख ही लिए हैं लेकिन आपको तब भी दिखाई देते हैं। तो गाइस, ये है आज के व्लॉग में आपके हम लाए हैं आपकी मर्सिडीज बेंज GL 350 CDI। सो यार, इस गाड़ी के बारे में यार मैं क्या बोलूँ, इस गाड़ी की मैंने अभी टेस्ट ड्राइव भी लिया है, इसको मैं अभी रोड पे भी लेके गया था। मतलब यार, गाड़ी की ना जो फील है ना यार, एक नेक्स्ट लेवल फील है। अगर गैस इस गाड़ी की हम बात करें ना, सो अगर आप मर्सिडीज बेंज एस क्लास किसी ने चलाई है सो एक बार वो ये गाड़ी जरूर चला के देख रहे हैं। मतलब जो इसकी फील है ना और जो अंदर का कम्फर्ट है यार, वो नेक्स्ट लेवल है। आप चाहे इस गाड़ी में एक छोटी रेट पर जाएँ, बड़ी रेट पर जाएँ, आपको ना मतलब बोलते हैं ना भाई, कुछ थकावट नहीं महसूस होगी, गाड़ी ऐसी है। एंड एक बार बताऊँ गैस, रीज़न ये था ये व्लॉग दिखाने में, जो आज के व्लॉग में हम आपको गाड़ी दिखा रहे हैं, क्यों दिखाई, क्योंकि इसका प्राइसिंग जो है मस्त होने वाला है। एंड जो बाबा लग्जरी कार का व्लॉग्स पहले से देखते हैं उनको पता ही है यार, बाबा लग्जरी कार पे जो भी वो कार लेने आते हैं उनको बेस्ट प्राइसें मिलती है, चाहे वो एक लो सेगमेंट की गाड़ी हो या हाई सेगमेंट की गाड़ी हो। और ये जो गाड़ी है, शायद थंबनेल पे भी आपको देखने को ये मिलेगा, बहुत सेलिब्रिटीज़ ने ओन कर रखी इस गाड़ी को। एंड एक जो क्या मेरे क्या विपिन भाई के क्या हम सबके फेवरेट है, वो अपने सलमान भाई, सलमान खान भी यही गाड़ी चलाते हैं, क्यों इनकी कलेक्शन में है ये गाड़ी। और मुझे लगता है शायद कलर भी सेम ही है उनके पास, है ना। हाँ, और गैस अगर जो हमारा भाई सलमान खान को फॉलो करता है, उनकी वीडियोस देखता है, तो आपने देखा यार कि सलमान भाई जो है अपने ज़्यादातर एक इस गाड़ी में और एक रेंज रोवर की ऑटोबायोग्राफी या वोग में मतलब जी सफ़र करते हैं, है ना भाई। प्लस गैस, शुरू से लेके व्लॉग को एंड तक जरूर देखेगा, क्यों, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको व्लॉग में मिल जाएगी और इसी प्राइसिंग बहुत मस्त होने वाली है। क्या पता आप में से कोई व्लॉग देख के ही मुझे प्रीमियर में बोल दे भाई मैं इसकी पेमेंट जमा कराता हूँ, हो सकता है, बिल्कुल, है ना। क्योंकि भाई काफ़ी हमारे भाइयों के मैसेज भी आते हैं कि भाई मैं इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हूँ, इसकी पेमेंट जमा करा दूँ। एंड गैस, अगर आपको कोई भी गाड़ी चाहिए होती है ना, आप मेरे काफ़ी भाई मुझे प्रीमियर में एंड कमेंट सेक्शन में ही बोलते हो यार, आपके सामने 10 नंबर दे रखा है, अगर ये गाड़ी आपको अच्छी लग रही है, कोई भी गाड़ी अच्छी लग रही है, आप इन 10 नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लो, ये आपको अपना अकाउंट नंबर बता देंगे, वहाँ पर अपने पैसे ट्रांसफर करके अपनी गाड़ी बुक भी कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना भाई। और कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको सारी मिल जाएगी। प्लस मुझे एंड बाबा लक्ष्मी कार को जाके फॉलो कर ले, मुझे मैक्सटेक व्लॉग एंड बाबा लक्ष्मी कार को जाके फॉलो करें, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, चलते हैं, शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। सो गाइस, सबसे पहले यार आपको बाहर इसका एक्सटीरियर मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलेगा। और फीचर्स इतने सारे एवन है ना कि आपको हाई एंड लग्जरी गाड़ियों में भी इतने नहीं देखने को मिलेंगे जो आपको इस एसयूवी में मिलते हैं। सो पहले हम आते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल पे। सो पहले इसके लाइट्स देखिए, तो भाई कुछ बताओ यार लाइट्स के बारे में इसके जरा। ये आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है ब्लैक कलर के और क्रोम अंदर आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लुक देता है इस गाड़ी को। हाँ जी, मर्सिडीज बेंज का इंटेलिजेंट लाइट सिस्टम बोलते हैं इसे, और बहुत ही अच्छा लुक देता है जब दिन में आप गाड़ी लेके चल रहे हैं और जो इसके लाइट्स चलते हैं तब बहुत अच्छा लगता है। हेडलाइट वॉशर्स मिल जाते हैं आपको इस गाड़ी के अंदर। ओके, और फॉग लैंप्स में भी आप देख सकते हैं क्रोम के फिटिंग के साथ मिलता है आपको, बहुत ही अच्छा लुक देता है। लेकिन भाई ये काफ़ी चीज़ अच्छी लग रही है कि क्रोम के अंदर फॉग लैंप इधर लगा रखा है बीच में। जी बिल्कुल, LED फॉग लैंप्स है आपके। ओके, और सेंसर्स जैसे कि आप देख सकते हैं सेंसर्स फ्रंट में, क्योंकि इस गाड़ी में जो है 360 डिग्री कैमरा आपको मिलता है, तो इसलिए चारों तरफ इस गाड़ी ओके लाइक जैसे रेंज रोवर में अवेलेबल होता है ऐसे इसमें भी मिलता है। जी बिल्कुल, ठीक है। अब हम इसकी सामने की प्रोफाइल की बात करेंगे, ये देखो भाई इसके बनाया था जो फ्रंट ग्रिल हम देख रहे हैं। सबसे अच्छा तो मेरे को भाई साहब यही लगता है मर्सिडीज का लोगो, बड़ा सा लोगो जो क्रोम का ग्रिल आप पूरा देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लुक देता है, बल्कि बीस्ट जो हम बोलते हैं इस गाड़ी को वैसा लुक मिलता है। फ्रंट से देखते ही बनती है गाड़ी, पता लगता है सामने से कुछ गाड़ी आ रही है। अंगेज ये देखिए, यहाँ पे इसका आगे मर्सिडीज बेंज का बीच में एक लोगो। सो अब भाई ये जो ये हमें दे रखे हैं यहाँ पे बेसिकली एयर इनटेक के लिए नहीं? जी बिल्कुल, एयर इनटेक्स हैं जो कि आपके ऑब्वियसली कंपनी फिटेड रहते हैं। ओके ठीक है, क्योंकि इंजन जैसे आप जानते हैं 3000 cc इंजन है तो अच्छा पावर प्रोड्यूस करता है। हाँ जी, तो इंजन को कूल रखने के लिए काम आता है। ओके जी। सो गाइस, अब हम इसकी आते हैं एक बार साइड प्रोफाइल पे। सो ये देखिए, सो
एक बार बताइए विपिन भाई, जो इसमें ये अलॉयज देख रहे हैं, अराउंड कितने इंचेस के अलॉयज होंगे भाई? ये आपके 20 इंच अलॉय व्हील रहने वाले हैं, जो कि ऑफ कोर्स आपको कंपनी फिटेड मिलते हैं और काफी अच्छा परसेंट रिमेनिंग है टायर के भी। ओके, प्लस गाइस एक बार इसकी साइड प्रोफाइल देखिए, मतलब ना भाई लगता है जब ये रोड पे निकलती होगी ना गाड़ी, लगता है कि हाँ भाई एक बीस्ट आ रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, जब रोड पे निकलती है तो पता लगता है कोई हैवी पर्सनालिटी चल रही है। और एक बात बता दूं गाइस, ये जो गाड़ी है अपने काफी सेलिब्रिटीज भी ओन करते हैं, उनमें से एक अपने हैं सलमान खान भाई, जिनकी ये फेवरेट है। अगर कोई अपना भाई सलमान खान को फॉलो करता है तो यार उनकी काफी वीडियो हम देखते भी हैं, वो ज्यादातर इसी गाड़ी में ट्रेवल करते हैं। कलर भी उनके पास, हाँ कलर भी यही सेम है। एंड अब यहाँ पे आते हैं तो भाई ये जो हम देख रहे हैं, ये आपका इंडिकेटर्स के साथ आपको साइड मिरर मिलते हैं, जो ऑफ कोर्स ऑटोमेटिक आपके फोल्ड ऑटो फोल्ड्स बोलते हैं मैंने। और इसका लुक भी देख रहे हैं आप, काफ़ी अच्छा लगता है जब ब्लिंक करते हैं तो बहुत अच्छा लुक मिलता है। इसका फुट रेस्ट मिल रहा था आपको, जैसे एसयूवी गाड़ी है, हाँ जी, तो फुट रेस्ट काफ़ी इजीली आप चढ़ने उतरने में आपको ईजी रहता है। और जैसे कि आप डोर्स पे देखेंगे, क्रोम फिटिंग आपको मिलती है जो कि कंपनी फिटेड है, काफ़ी अच्छा इन्हेंस करती है ये चीज़ें कोई भी गाड़ी के लुक को। पर्सनली मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती है जैसे क्रोम बेडिंग्स में। नहीं गाइस एक बार बताऊँ, मैंने इससे पहले एसयूवी से यार मैंने यहाँ पर ज़्यादा जितनी लग्जूरियस एसयूवी है ना, मैंने यहाँ पर सारी चलाई है, चाहे वो आपकी ऑडी Q7 हो, Q5 हो, रेंज रोवर हो। लेकिन गाइस मैं खुद मैंने इस बात को ऑब्जर्व किया है कि रेंज रोवर एंड मर्सिडीज बेंज की जो मतलब क्लास है ना, वो चाहे ऑडी है और भी गाड़ियाँ हैं, लेकिन इनकी दोनों की क्लास एक क्लास अपार्ट है। मतलब इनका कंपैरिजन कोई है नहीं इन गाड़ियों का, बिल्कुल कह सकते हैं अपनी जगह, मतलब अपनी जगह बनाती है इन गाड़ियों के बीच में। हाँ जी। सो गाइस अब आते हैं हम इसकी आपको बैक प्रोफाइल पे लेके। सो विपिन भाई अब जरा बैक प्रोफाइल बताओ, बैक में हमें इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं पहले ये बताओ। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं GL350 CDA की जो हम बात कर रहे थे, बैजिंग मिल जाती है, फॉर्मेटिक रहती है गाड़ियाँ, जो भी SUVs Mercedes की ML है GL है सब फॉर्मेटिक रहती है। सो बेसिकली फॉर्मेटिक मीन्स आपका फोर व्हील ड्राइव। जी बिल्कुल। ओके, और आप देख सकते हैं बूट में आपको क्रोम ग्रिल मिल जाता है। इसका बम्पर का भी आप लुक देखेंगे काफ़ी अलग है, जैसे रिफ्लेक्टर्स देख रहे हैं हम लोग। ओके, नीचे भी आपको क्रोम फिटिंग मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छा लुक देता है, काफ़ी अलग है बाकी से। ओके, एंड गाइस ये देखिए यहाँ पे आपका आ गया इसका वाइपर, डी फोकस रहते हैं आपके फ्रंट और रेयर में, वाइपर आपको मिल जाता है। तो भाई एक बार दो, इसमें हमें क्या पीछे कैमरा मिलता है, बैक कैमरा? जी बिल्कुल मिलता है। काफ़ी होता है इसका बैक कैमरा, बताओ जरा। बैक कैमरा जब हम रिवर्स गियर करेंगे तो यहाँ से निकल के आता है, वो अभी छुप के बैठा हुआ है। तो चलिए गाइस अभी एक बार हम आपको रिवर्स करके दिखाएंगे और वो कैमरा बाहर निकल के आएंगे, है ना भाई? तो अब एक बार जरा इसका बूट पे खोल के दिखाइए। सो गाइस ये जो आप देख रहे हो ये मर्सिडीज बेंज GL350 की है, अब आपको इसका एक बार हम बूट पे खोल के दिखाते हैं। लाइक इसको हमने प्रेस करके रखा एंड ये आपका हो गया बूट ओपन। इसका ऑटोमेटिक रहता है आपका, चाहे आपने खोलने या बंद करने, सिर्फ एक स्विच प्रेस करना है आपने। हाँ जी। तो अभी बहुत लोग शायद सोच रहे होंगे यार इतनी बड़ी गाड़ी है स्पेस नहीं है, ऐसा नहीं है सर, वन टच गाड़ी है ये, आपके जो दोनों सीट्स हैं ये फोल्डेबल हैं। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों तरफ ये देखिए स्विच मिल रहा है आपको लेफ्ट राइट में, तो मैं एक बारी करके भी दिखा देता हूँ आपको। सो ये देखिए ये हो गई है जी हमारी सीट फोल्ड, और अब आप देख सकते हैं मैं दोनों करके दिखाऊंगा आपको। ये देखिए कितना क्विक है ये, ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो स्लो जा रहा है, कितना क्विक रिस्पॉन्स मिलता है आपको, मतलब इमिडिएटली प्रेस करते ही। ओके, तो ये पूरा स्पेस मिलता है आपको, मान लो आप 4 या 5 जने ट्रेवल कर रहे हैं तो इतना स्पेस मिल जाता है। एंड गाइस अगर हम बात करें यार, तो विपिन भाई जो हमें इसमें फीचर मिलता है लाइक बटन से जो करते हैं, तो बाकी जितनी भी लग्जरियस गाड़ी आती है क्या उसमें भी हमें ऑटोमेटिक मिलता है, मैनुअल होता है उनमें? मैक्सिमम गाड़ियों में मैनुअल होता है, मर्सिडीज की आपको GL है या ML के कुछ एक वेरिएंट्स है उनमें आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। ओके, तो चलिए भाई एक बार इसका ओपन करें वापस, बैक अपनी पोजीशन पर आ जाइए एक बार। जैसे कि आपकी 7-सीटर गाड़ी आप देखेंगे, AC वेंट्स आपको थर्ड रूम में भी मिल जाते हैं, और सनरूफ मैं कहूँगा भाई को एक बार दिखाने के लिए, तो देख सकते हैं आप थर्ड रो तक सनरूफ है, आगे के भी क्लोज है मैट से, तो बाकी के मून ग्लास रहते हैं सबसे आगे का, आप ओपन कर सकते हैं। तो भाई मतलब ये कह सकते हैं कि हमारे अगर 7 पीपल जाते हैं इस गाड़ी में तो सबका इंतजाम है पूरा? जी बिल्कुल, पूरा ख्याल रखा गया सबका, सेफ्टी वाइज हो या AC के वेंट्स हैं, सब कुछ आपको प्रॉपर मिलता है। और बूट को हमने क्लोज करना है तो आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ स्विच है, मैं इसको प्रेस करूंगा और ये आपका ऑटोमेटिकली, कितना स्मूथ ऑपरेशन है आप देख सकते हैं, स्मूथली ऑपरेट करती है गाड़ी पूरी। लेकिन भाई वो है ना फिर गाड़ी की वैल्यू भी और कॉस्टिंग भी तो है ना यार, कि फीचर भी सारे A1 है। देखिए तो गाइस एट द टाइम यार हम आ चुके हैं मर्सिडीज बेंज के अंदर, सबसे पहले यार आप एक बार इसका डोर देखिए, ये देखिए यहाँ पे पहले जो वुडन पैनल की आपकी फिनिशिंग है कितनी बढ़िया आती है यार ये। एंड विपिन भाई ये बहुत बढ़िया लगती है यार, कितनी भी हम लग्जरियस गाड़ी में देखते हैं ये, बिल्कुल नो डाउट बहुत ही अच्छा लुक रहता है। आप जैसे देख सकते हैं मेमोरी सीट्स मिल रहे हैं आपको, आपका जो इवन एड्रेस है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं 360 में। एंड यहाँ से लॉक अनलॉक का सिस्टम है आपका, और गाइस ये दिखाऊं आपको, जैसे मैं वॉक करके दिखाता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं ये, अब ये देखिए मैं सीट आगे जाएगी, देखिए इसको मैंने बैक किया,
आपको दिखाता हूँ इसके सारे अंदर से फीचर्स। सो गाइस ये देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये आपकी पूरा आगे यहाँ पे लेदर फिनिशिंग आ गई एंड गाइस ये देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये आपकी पूरा आगे यहाँ पे लेदर फिनिशिंग आ गई एंड ये देखिए नीचे आपको इधर क्रोम आ गया। आपको चले गाइस अब आपको दिखाता हूँ इसके सारे अंदर से फीचर। सो गाइस ये देखिए ये आपका सामने का इंटीरियर है एंड ये सारे आपको फीचर्स मिलते हैं। पहले अभी अगर आप पूरा इंटीरियर देखें इंटीरियर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा जरूर। तो विपिन भाई अब प्लीज स्टार्ट करो और बताओ अंदर हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। देख सकते हैं इसमें भी आपको लेदर फिटिंग मिलती है, प्लस जो डोर में आपका वुडन था वो मैच करते हैं इसको, और बीच कलर में आपका ग्लव बॉक्स है जो कि अगेन लेदर फिटिंग के साथ मिलता है आपको। ऊपर की तरफ आप देख रहे होंगे ये छोटे से जो राउंड में बने हुए हैं इसको हम, ये डी फॉगर्स है, बहुत से लोगों को शायद मालूम ही होगा जी। जैसे विंडोज पे भी हमारा कई बार सर्दियों में फॉग जम जाता है तो ये भी एज अ डिफॉगर ही काम करते हैं आपके। ओके और बिल्कुल सामने आप देख रहे होंगे कि ये बार बनी हुई है। ये बार एक्चुअली जब हम पार्किंग करते हैं कोई ऑब्जेक्ट गाड़ी के पास आता है तो यहाँ पे पॉइंट्स ब्लिंक हो जाते हैं। ओके तो ये उसके लिए दिया हुआ है आपको। एंड नीचे जब हम देख रहे हैं सब वूफर है वो जी, बिल्कुल वो सब वूफर है आपका। ओके सो गाइस अब हम इसके आते हैं फ्रंट प्रोफाइल पे। तो भाई जो हम इसमें ये स्क्रीन देख रहे हैं क्या ये आपका टच स्क्रीन है? ये आपका टच नहीं आता है, एक बार आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। इसके लिए आप जो ऑपरेट कर सकते हैं वो आपके यहाँ पे डायल दिया हुआ है, इस डायल से ऑपरेट कर सकते हैं यहाँ पे आपको। ओके ओके और ऑडियो कंट्रोल्स आपको ऑफ कोर्स इसके स्टीयरिंग में भी मिलते हैं, और मैनुअली आप ऑपरेट करना चाहें तो ये डायल आपका उससे भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये डायल एक बार आपको मैं करके दिखाता हूँ, ये देखिए इससे आपका चैनल चेंज हो जाता है। सो बेसिकली अगर हम बात करें यही हमें ऐसा ऑडी में भी मिलता है एंड बीएमडब्ल्यू में भी मिलता है ना भाई? ओके प्लस ये जो हम भाई हम सामने देख रहे हैं ये आपके सारे क्या हैं? ये इको मोड जो है ये इको मोड ऑफ कोर्स रहते हैं इन गाड़ियों में जो कि फ्यूल एफिशिएंसी के लिए काम आता है। ये आपका पार्किंग बटन है, आपको जैसे खड़ी गाड़ी में देखना है कि आसपास क्या है तो उससे आप देख सकते हैं। ओके और आपको डुअल जोन एसी मिलता है आपका, दोनों तरफ के टेम्परेचर आप अलग ऑपरेट कर सकते हैं, आप नंबरिंग देख सकते हैं अपने हिसाब से। ओके एंड ये जो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं भाई ये बटन प्लीज इनके लिए बताओ ये क्या चीज़ें हैं? देखिए इन गाड़ियों में मैक्सिमम आपको जो है ऑफ रोडिंग मोड्स मिलते हैं, आप अभी देख रहे हैं जैसे कम्फर्ट मोड और स्पोर्ट्स मोड में दिया हुआ है। हाँ जी तो आप स्पोर्ट्स मोड में जो है इसका पावर थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिलता है, कंफर्ट मोड में फिलहाल जो भी इस टाइम हमारी गाड़ी है। बाकी आपका हिल्स के लिए है जो आपके दोनों मोड्स हैं, और इसमें एयरमेटिक सस्पेंशन रहता है जो कि आप इस स्विच से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी okay. आपका सब मेन्यू ऑपरेशंस के लिए है सारी सिस्टम। ओके प्लस गैस यहाँ पे आपको मिलता है स्टोरेज स्पेस, भाई प्लीज दिखाइए जरा एक बार में खोल के गैस। ये देखिए ये जरा आपका आ गया स्टोरेज स्पेस एंड यहाँ पे आपका अंदर आ गया ऑक्स यूएसबी आ गया आपके, एज एन हम इसे आर्मरेस्ट भी यूज करना चाहते हैं आप बैठे तो कंफर्टेबली ड्राइव करने को आर्मरेस्ट भी यूज कर सकते हैं आप इसे। स्टीयरिंग में भी हम देखेंगे तो काफी फीचर्स मिलता है आपको, लेदर फिटिंग मतलब फर्म ग्रिप रहता है इसकी स्टीयरिंग का, बहुत ही लाइट स्टीयरिंग है, आराम से आप ऑपरेट कर सकते हैं। ओके एसयूवी गाड़ी है, स्पोर्ट्स मोड्स है इसमें, आपको तो पैडल शिफ्टर्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे इस गाड़ी में। क्रूज कंट्रोल का लीवर आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है। वाइपर या हेडलाइट्स आपका जैसे हाई बीम लोगों में ऑपरेट करना है तो उसके लिए ये वाला बार है हमारा। ओके जो इन गाड़ियों में मर्सिडीज की जो भी बड़ी गाड़ियाँ रहती हैं उनमें लीवर गियर आपका राइट साइड में रहता है जो कि काफ़ी अच्छा और फैसिनेटिंग लगता है। एंड गाइस बता दूं आपको कि जो बेसिकली इसमें जो गियर्स होता है वो आपको इधर पीछे मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर कि यहाँ पे मिलता है बीच में होता है कंसोल में यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको स्टेरिंग के पीछे मिलता है। ये देखिए ओके और सेफ्टी की भी आप देखेंगे तो एयरबैग्स देख सकते हैं आपको जैसे स्टेरिंग में है आपका, पैसेंजर साइड में है, पिलर्स में है, इवन एक एयरबैग इसका आपका नीचे की तरफ भी रहता है ड्राइवर साइड में भी, तो सेफ्टी वाइज भी बहुत ध्यान रखा गया। 12 एयरबैग आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे। सो गाइस कार का हमने आपको पूरा इंटीरियर दिखाया था, तो मैंने और विपिन भाई ने सोचा क्यों ना यार इस गाड़ी के एक बार एक टेस्ट ड्राइव भी ली जाए और भाइयों को दिखाया भी जाए। भाई गाइस पहले बता दूं गाड़ी जो है ना एक डीजल इंजन है 3000 सीसी का और एकदम अंदर से साइलेंट है, मतलब कोई आवाज नहीं है भाई जी बिल्कुल, इतना भारी भरकम इंजन होने के बाद भी। तो चलिए गाइस चलते हैं इसके राइड पे और दिखाते हैं आपको इसकी राइड क्वालिटी भी। लेकिन भाई जैसे नीचे बम्स आ रहे हैं फील नहीं हो रहा, लाइक वो नॉर्मल गाड़ी जाते हैं ना जैसे पूरी जब तक गाड़ी हिलती नहीं ना पता चलता, और ये इतनी एक भारी भरकम गाड़ी है ना मतलब फील नहीं हो रहा मतलब कि आप इतने बम्स के ऊपर से आपकी गाड़ी जा रही है। यही खासियत है इस गाड़ी की, मैं हर बार कहता हूँ मर्सिडीज इसकी जो गाड़ियाँ हैं बहुत ही लो मेंटेनेंस भी होती हैं, बहुत लोगों को लगेगा मे बी बहुत हाई मेंटेनेंस होगी बट ये वन ऑफ द लो मेंटेनेंस वाली कार है। ओके सो गाइस अगर हम इसकी राइड क्वालिटी की बात करें ना यार बहुत औसम गाड़ी है, और मैं आपके लिए खास मैं आपको चला के इसलिए दिखा रहा हूँ यार क्योंकि टेस्ट ड्राइव जो है ना हम बहुत किसी कम कोई गाड़ी होती कि उसकी ले पाते हैं, एंड इस गाड़ी की ले रहे हैं ना तो भाई मतलब मज़ा आ रहा है यार, एक मतलब फील है कि हाँ भाई
आप एक अच्छी गाड़ी में बैठे एंड कंफर्ट जोन की बात करें यार, कंफर्ट जोन इसका नेक्स्ट लेवल है। प्लस अगर अपना कोई भाई है इस गाड़ी में इंटरेस्टेड है तो भाई स्टेटस सिंबल भी बन जाएगी भाई, दिखेगा भाई कि हाँ अपना भाई जा रहा है मर्सिडीज बेंज लेके गाड़ी। बिल्कुल, वो बंदा फिर अपने नाम से नहीं गाड़ी से जाना चाहेगा। हाँ जी हाँ जी। बस गाइस ये देखिए, ये इसमें जो आप देख रहे हो ना, ये आपका है 360 डिग्री कैमरा। इसमें आपको पूरा इसमें पता चलता है कि आपकी जो गाड़ी है आपके साइड में सारे आपके कैमरे में ऑपरेट होते हैं ना भाई। जी बिल्कुल। ओके, पूरा आप देख सकते हैं, ऊपर से भी व्यू मिलता है आपको, मतलब सैटेलाइट व्यू कह सकते हैं आप इसको। ये देखिएगा ऊपर से भी गाड़ी में आपको चलती हुई नजर आती है सड़क पे। सो गाइस यार, एट अ टाइम हम आ चुके हैं मर्सिडीज बेंज की सेकंड रो में, और यार यहाँ पे स्पेस देखो, स्पेस के मामले में तो यार मतलब अबंडेंट स्पेस है। एंड गाइस ये देखिए, यहाँ पे आपको मिलते हैं पीछे एसी वेंट्स मिलते हैं, यहाँ पे भी आपको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपको ये बहुत से कम गाड़ियों में होता है, जैसे आपका ये पीछे भी फैन का ये बटन दिए हुए हैं, क्लाइमेट कंट्रोल पीछे वाली गाड़ियों में, कई गाड़ियों में सिर्फ यहीं तक होता है, एसी वेंट होते हैं। इसमें आपको मोड्स भी मिल जाते हैं, इवन आपको ऊपर की तरफ हवा चाहिए, पैरों की तरफ चाहिए, वो भी कर सकते हैं। प्लस ये देखिए यहाँ पे आपको मिलता है एस्ट्रे। जी ठीक है, मुझे लगा स्टोरेज स्पेस है भाई। प्लस गाइस ये देखिए यहाँ पे भी मतलब स्टोरेज है यहाँ पे थोड़ी आपको रखने के लिए, और चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाएगा नीचे की तरफ, ये यहाँ पे आपको मिलता है चार्जिंग पॉइंट। प्लस गाइस अगर हम इसकी कंफर्ट लेवल की बात करें, तो विपिन भाई यार आपका तो रेगुलर का ये जॉब है, आप तो रेगुलर हर टाइप की गाड़ियाँ चलाते हो, और आपने मतलब बैठ के भी देखा है सब में, मतलब आपने फील किया, तो अभी तक की मतलब आपको अगर मर्सिडीज बेंज जीएल को अगर आपको 10 में से रेटिंग देनी चाहिए तो आप कितने दोगे इस कार को रेटिंग? देखिए मैं तो इसको देने वाला हूँ 10 में से 10, शायद ही कोई होगा जो इसको उससे नीचे देगा, क्योंकि फीचर्स अगेन जो आपको मिल रहे हैं, जो गाड़ी की लुक है, परफॉर्मेंस है गाड़ी की, वो सब मैच करती है हर चीज़। जी जी। बस गाइस ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए आपका मूनरूफ आ गया ये, एंड ये देखिए इवन यहाँ पे भी आपको मिलता है, देखिए एसी वेंट्स, ये मैंने यहाँ पे नोटिस नहीं किया भाई, यहाँ पे भी देखिएगा आपके एसी वेंट्स आ गए, दोनों तरफ मिल जाएंगे आपको एसी वेंट्स, कर्टेन्स भी आपका जैसे दोनों डोर्स में रहता है। ओके सर, इसमें हमें मैनुअल मिलते हैं जी, वो मैनुअली ऑपरेट होते हैं, और बीच में आप देखेंगे तो आर्मरेस्ट मिल जाता है आपको एक बारी में, ये देखिए ये और आर्मरेस्ट आ गया, जो है विद कप होल्डर्स है, आराम से अपना एंजॉय भी कर सकते हैं। एंड गाइस एक बार बताऊं, इसका जो यार कंफर्ट लेवल है ना, मतलब भाई माइंड ब्लोइंग है, मतलब अगर कोई हमारा भाई ऐसी गाड़ी को 1000-2000 किलोमीटर की लॉन्ग राइड पे भी लेके जाता है तो आराम से मौज मस्ती करते जाएगा, इससे मतलब उसको थकान नहीं महसूस होगी, ये तो श्योरिटी है। बिल्कुल, ये गाड़ी ऐसी है, इनमें कंफर्ट लेवल ऐसे रहता है, जैसे सीट्स आप देख रहे हैं बकेट सीट्स हैं, इवन ये वाले भी आपकी जो बैक है इसकी आपके दोनों तरफ से एडजस्ट हो जाती है। ओके, तो उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ भी हम कर सकते हैं। एंड गाइस जो इसकी सीट्स है ना, मतलब इतनी कंफर्टेबल है ना, लाइक आपको लगेगा आप एक फ्लफी सोफा पे बैठे हो। जी बिल्कुल। सो गाइस अब हमने आपको सारे फीचर्स बता दिए इसके, अब हम चलते हैं बाहर और बताते हैं आपको मेन इस कार की कॉस्टिंग एंड प्राइस। भाई भाई परेशान हो रहे होंगे, भाई प्राइस नहीं, प्राइस तक इन्होंने आओ गए, अब आपको लेके चलते बाहर। सो गाइस आई होप यार आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हमने जो जो इसके अंदर फीचर्स मिलते थे आपको सारे दिखा दिए, एंड इसके अलावा कुछ भी आपको इंक्वायरी है इस कार से रिलेटेड तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके सामने 10 नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके इस कार की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड भाई एक बार बताओ, अब इस गाड़ी के हम डिटेल्स पे आते हैं, पहले मुझे ये बताओ ये जो कार हम देख रहे हैं कौन सी ईयर का मॉडल होगा? ये हमारा 2013 मॉडल ईयर है। 2013 है जी। तो विपिन भाई अगर हम इसकी इस गाड़ी की बात करें, आपने बताया 2013 मॉडल है, अगर ये हमारा कोई भाई जो कि दिल्ली एनसीआर में रहता है अगर फाइनेंस कराना चाहे तो क्या फाइनेंस ऑप्शन इस कार पे हमें मिल जाएगा दिल्ली एनसीआर के लिए? जी बिल्कुल, उसके लिए देखिए आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होनी ज़रूरी है। ओके, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जो भी फाइनेंस होता है लोन होता है वो हमारी हमारे ऊपर होता है, वो कार के ऊपर नहीं होता, वो हमारी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि बैंक हमें कितना फाइनेंस प्रोवाइड कर सकता है पर्टिकुलर कार के लिए। ओके, तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा कोई भी भाई अगर दिल्ली एनसीआर में रहता है और लेना चाहता है तो फाइनेंस हो जाएगा? जी बिल्कुल। एंड फॉर एग्जांपल अगर कोई अदर स्टेट से हमारा बैठ के ब्लॉग देख रहा है तो उसके लिए तो गाड़ी फाइनेंस नहीं हो पाएगी, तो पर्सनल लोन लेके हो सकती है फाइनेंस? पर्सनल लोन भी देखिए आपको एक हद तक ही मिलता है, आप ट्राई कर सकते हैं, या आपके वहाँ कोई प्राइवेट फाइनेंसर है उससे बात कर सकते हैं अगर वो आपके लिए फाइनेंस कर दे तो। ओके, सो भाई आप पहले ये बताओ ये जो गाड़ी है ये कितने किलोमीटर चली हुई गाड़ी है? ये हमारी 58 के अप्रॉक्स 58,000 किलोमीटर। ओके भाई अगर हम इस गाड़ी की बात करें, ये जो गाड़ी है कौन से स्टेट की गाड़ी होगी? ये हमारी यूपी रजिस्टर्ड है और इसका नंबर भी है जो काफ़ी फैंसी नंबर है। ओके, वो तो जब आप यहाँ आएंगे तभी पता लगेगा। एक बात बता दूँ गाइस, ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की गाड़ी है, सो बता दूँ गाड़ी को जो है वेल मेंटेन रखा गया है, इस चीज़ को आप लेकर निश्चिंत रहो, गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में है। अब भाई आते हैं मेन कॉस्टिंग में, क्योंकि भाई सोच रहे होंगे यार इन्होंने इतने देर से हमारा दिखा दिखा के फुद्दू काट दिया, अब भाई कॉस्टिंग बताओ कॉस्टिंग क्या होने वाली है इस गाड़ी की? 2013 GL 350 CDI 4MATIC बाबा लग्जरी कार पर आपको मिलेगी
29.90 में, 29,90,000 रुपये, 29.90 लाख रुपीज़ की। सो भाई एक बात बताओ, अगर हम इसी गाड़ी की बात करें जो शोरूम से एक्स शोरूम क्रॉसिंग इस गाड़ी की क्या होगी? एक्स शोरूम इस गाड़ी का प्राइस 85 के अप्रॉक्स, 85 लाख रुपीज़ के अप्रॉक्स। ओके, सो गाइस वैसे अगर आपके न्यू परचेज करने जाते हैं तो 85 लाख तो वो एक्स शोरूम है जी बिल्कुल, अगर ऑन रोड करते हैं तो आराम से 90 लाख के ऊपर ही जाएगी गाड़ी, 95 प्लस ही जाएगी आपकी, 95 लाख प्लस ही जाएगी गाड़ी है। तो गाइस 29.90 लाख रुपीज़ जो है एक नेगोशिएबल प्राइस है, एंड अगर आप ये गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड हो या किसी भी कोई भी गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड हो, मुझे माइक सेटिंग लॉक्स एंड बाबा लग्जरी कार दोनों को जाके फॉलो कर लो, आके आपने दिखाना है कि मैं माइक सेटिंग लॉक एंड बाबा लग्जरी कार को फॉलो करता हूँ, गारंटेड हमारी है भाई डिस्काउंट आपको अच्छा मिलेगा, क्यों जी बिल्कुल। लेकिन भाई वो तब भी मिलना चाहिए जब फॉलो किया होगा, नहीं किया होगा फिर मत देना, अच्छा डिस्काउंट पर नॉर्मली देना। मोहित बात की याद ध्यान रख लो भाई, जो भी है दिखा के लाएगा। हाँ नहीं कहते, एक बार बता दूँ प्राइस जो है नेगोशिएबल है यार, अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड है ना तो आपको इससे अच्छा डिस्काउंट मिल भी जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ओके प्लस गैस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एक बढ़िया सा नीचे कमेंट करो, एंड साथ में ये जरूर मेंशन करो कि आप नेक्स्ट व्लॉग में कौन सी गाड़ी देखना चाहते हो, प्लस आप कौन सी स्टेट से बैठ कर हमारा व्लॉग देख रहे हो। कोशिश करेंगे यार नेक्स्ट व्लॉग में हम आपके लिए वही गाड़ी लेके आएंगे। तो चले गैस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नया धमाका लेके, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। With the